अगली खबर जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है, जहां बरसात ने नगर पालिका के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। सावन महीने की पहली बारिश में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लगभग दो दो फुट तक पानी भर जाने से लोगों का जीवन जो है बेहाल नजर आ रहा है। झमाझम बारिश ने नगर पालिका के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। आजादपुरा मोहल्ले की प्रमुख नालियां जो है चोक हो चुकी है, जिस वजह से नालियों का गंदा पानी जो है सड़क पर बह रहा है। इसके अलावा गलियों का भी हाल बुरा है। लोगों के घरों में दो दो फुट तक पानी जमा हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिससे लोग नगर पालिका प्रशासन को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। नगर पालिका ने दावा किया था कि बारिश शुरू होने के पहले नगर की सभी नालियों को युद्ध स्तर पर सफाई करा दी गई है, लेकिन कितनी सफाई हुई है ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। लोगों के घरों में पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों के लिए परेशानी जो है बढ़ चुकी है। आप समझिए कि बेडरूम तक लोगों के पानी पहुंच चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं संचारी रोगों का खतरा जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कि करीब दो दो फुट तक पानी है, घरों के अंदर जो है कमर तक पानी पहुंच चुका है। मेरा नाम निखिल है, आजादपुरा सेकंड मोटी एरिया लगती है। इस बहुत दिनों से रोड की समस्या है, नालियों की समस्या है, कोई नाली का निकास नहीं है, घरों में पानी रहता है, घर के सोफे मोफे आप हालात देख सकते हैं, पूरे पलंग मलंग सब डूबे हैं। पुराने पार्षद से लवली शर्मा हमसे भी कई बार कहा, उन्होंने कोई अंतर नहीं दिया। ऊपर भी लिकट में दी, वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं आया। वो अभी नए पार्षद, मेरा नाम निखिल है, आजादपुरा सेकंड मोटिव एरिया लगती है। इस बहुत दिनों से रोड की समस्या है, नालियों की समस्या है, कोई ना तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।